आर्ट्स के अंदर अगर पैसा कमाना है तो ज़्यादातर लोग पोर्ट्रेट ड्राइंग या फिर अपने आर्ट वर्क्स को बना के बाहर सेल करना उसी के ऊपर जाते हैं, और ज़्यादातर लोग तो पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करते हैं। बट अगर आप किसी एक मीडियम को मास्टर करके उसी के अंदर आप अपने आप को रिफाइन करते हो और उसी के अंदर आप सेल करते हो, तो वो एक अलग ही बात होती है, क्योंकि आपने उस मीडियम को मास्टर कर लिया है और आप फ्रीली किसी भी तरह से किसी भी तरह की ड्राइंग आप उस मीडियम से बना सकते हो। तो मैं ज़्यादातर पेन से ड्रॉ करता हूँ, इंक से ड्रॉ करता हूँ, ग्रेफाइट पेंसिल्स और चारकोल पेंसिल्स। अब चारकोल मैं थोड़े दिन से यूज़ कर रहा हूँ, अपने स्टूडियोज़ में अपने स्टूडेंट को भी यही सिखा रहा हूँ मैं। तो ज़्यादातर मैं मेरे प्रैक्टिस और सब कुछ मैं चारकोल से ड्रॉ कर रहा हूँ। तो सोच रहा हूँ कि एक कम्प्लीट गाइड, एक कम्प्लीट सीरीज़ बनाऊँ चारकोल के ऊपर। तो बेसिकली जो भी इन्फॉर्मेशन मेरे पास होगी चारकोल से रिलेटेड, मैं आपको सारे दूंगा कि कौन सी पेंसिल्स यूज़ करने चाहिए, कौन से टूल्स यूज़ करने चाहिए, कौन से पेपर्स यूज़ करने चाहिए, कैसे ड्राइंग करनी चाहिए, कैसे रेफरेंस को ऑब्जर्व करने चाहिए। हालांकि मैं चारकोल के बाद बाद दूसरे मीडियम्स को भी ट्राई करके आपको उसके बारे में बताऊंगा, दूसरी चीज़ें बताते रहूँगा, जैसे एक्सपीरियंस करूँगा मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मैंने कैसे ग्रॉ किया या फिर मैंने कैसे सीखा है। हालांकि अभी मैं सीख ही रहा हूँ, तो जो लेवल पे जो चीज़ें मैं सीख रहा हूँ, जो चीज़ें मैंने सीख रखी है, कैसे मैं प्रैक्टिस करता हूँ, कैसे ड्राइंग को रिफाइन करता हूँ, कैसे ड्रॉ करता हूँ, वही चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगा। तो इस वीडियो के अंदर हम एक पोर्ट्रेट ड्रॉ करने वाले, एक बेबी पोर्ट्रेट है, तो उसे हम चारकोल के यूज़ करके ड्रॉ करेंगे। मेरे पास जो स्केच बुक है, ये वाली स्केच बुक में यूज़ करने वाले और ये वाली पोर्ट्रेट हम बनाने वाले हैं। ये सारे हमारे मेरे मटेरियल्स हैं, ये ब्लेंडिंग के लिए, बट मैं इसका यूज़ करता नहीं, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए मैं चारकोल का यूज़ ही करता हूँ। तो चारकोल के लिए मैं सबसे पहले ये यूज़ करूँगा, ये चारकोल स्टिक्स है, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाती है, ना मिले तो आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। ये सॉफ्ट चारकोल स्टिक्स है, तो ये कुछ इस तरह होती है, इस तरह चलती है, बट जो ब्लेंड होती है ये एकदम स्मूथली ब्लेंड होती है, और इससे जो रिज़ल्ट है वो एकदम स्मूथ देखने को मिलता है। तो बहुत सारे आर्टिस्ट इसका यूज़ करते हैं और मैंने भी अपने ड्राइंग्स के अंदर इसका यूज़ किया है। तो ये वाली ड्राइंग बनाने के लिए हम इसका यूज़ करेंगे। इसके साथ में हम अपना ये वाला बोर्ड यूज़ करने वालों और नीचे बैठ के ड्रॉ करने वालों, क्योंकि ये टेबल की साइज़ छोटी है, बोर्ड बोर्ड की साइज़ बड़ी है। तो अगर मैं अपना ट्राईपोड लगाता हूँ तो आप ड्राइंग को अच्छे से देख नहीं पाओगे। सो आउटलाइन के लिए मैं ये सिंपल 2B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, और नीचे बैठ के मैं ओवर हैंड ग्रिप की मदद से मेरी ड्राइंग बनाऊँगा। तो मेरी जो रेफरेंस है, तो ये रेफरेंस मैं ड्रॉ करने वाला हूँ। सबसे पहले मैं जो मेरी मार्किंग्स है वो कर लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि इतने बड़ी शीट के ऊपर मैं कितने एरिया के अंदर, कितना एरिया के अंदर मैं अपनी कितनी ड्राइंग बनाने वाला हूँ। तो मुझे सिर्फ हेड वाला पार्ट चाहिए, ज़्यादा मुझे नीचे वाला पार्ट नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि मुझे इसका जो मेन फोकस है मेरा, इसके चेहरे पे होना चाहिए, इसलिए मैं ज़्यादातर जो एरिया है पेज का वो मैं यूज़ करूँगा हेड के लिए, क्योंकि मैं हमेशा अपनी ड्राइंग्स के अंदर जो भी ड्राइंग में बनाता हूँ तो उसके अंदर मैं जब तक पोर्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ ना, उसके बाद अगर नीचे की जो ड्राइंग है, जो बॉडी है रेफरेंस की, जो बॉडी है वो मुझसे कभी ड्रॉ नहीं होती। ड्रॉ होने ना होने से मतलब है कि मैं उसे ड्रॉ नहीं कर पाता, जैसे कि मैं अधूरी छोड़ देता उसको, क्योंकि मुझे उसे ड्रॉ करना ज़्यादा पसंद नहीं, या तो मुझे आलस आती है उसे ड्रॉ करने में, या फिर मैं ड्राइंग बना देता हूँ बट वो मुझसे ड्रॉ नहीं होती। जहाँ जहाँ मुझे ऐसा था कि मुझे इस एरिया के अंदर ड्राइंग करनी है, वो मुझे मार्किंग मिल गई यहाँ पे, कि यहाँ पे हेड आएगा, यहाँ पे बाकी बॉडी आएगी। तो अब मैं जो है अपने फेस को कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ, अब मैं जो अपनी ड्राइंग कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ धीरे धीरे करके। तो उसके लिए भी मैं सबसे पहले मार्किंग से लूँगा, जो ओवरऑल हेड है उसका एक शेप ले लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि मैं जो आगे के फीचर्स ऐड करने वाला हूँ हेड के अंदर, तो मुझे कहाँ ऐड करना है। और वो करने के लिए, कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए या फिर जो मार्किंग्स है वो देने के लिए, मैं सिर्फ अपने जो सब्जेक्ट है
उसके अंदर लाइंस को फॉलो करता हूँ, मैं सिर्फ हमेशा शेप्स और लाइंस को फॉलो करता हूँ। यहाँ पे मैंने एंगल्स देख लिए, जैसे मैंने देख लिया कि ये जो ये वाला पार्ट है ये हो गया इसका साइड एंगल, और ये वाला हो गया इसका फ्रंट एंगल। तो मैं इतने हिस्सों के डिवाइड करता हूँ अपने अपने पेज के ऊपर, ताकि मुझे पता चल जाए कि ये जो है ये वाला पार्ट ये इसका फ्रंट एंगल, और फ्रंट एंगल को पहचानने के लिए मैं यहाँ पे एंगल है, तो या तो मैं आप यहाँ पे सर्कल बना सकता हूँ या फिर जो शेप से उसे फॉलो कर सकता हूँ। अब आप देखिए कि मैं है ना किस तरह लाइंस को फॉलो करता हूँ अपनी ओवरऑल कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करने के लिए। सबसे पहले तो मैं जो यहाँ पर जितने भी ऐसे पार्ट्स हैं ना जहाँ पे शेडोज़ हैं, आप देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पे डार्क टोन्स हैं, तो लाइट यहाँ से आ रही है, तो जो चेहरे का ये वाला हिस्सा है यहाँ पे लाइट आ रही है, बट ये वाला जो साइड वाला एरिया है यहाँ पे लाइट कम है, तो यहाँ पे शेडोज़ है। तो अगर मैं यहाँ पे ये वाली चीज़ें पहले ड्रॉ कर लेता या फिर पहले मार्क कर लेता हूँ और यहाँ पे एंड्रेंडर कर लेता हूँ, तो मुझे एक हद तक मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया मिल जाएगा कि मुझे है ना अपने बाकी के एरिया के अंदर कहाँ से कैसे फीचर्स को और इम्प्रूव करना है। ये बहुत एक ये भी एक टेक्निक है। देखिए उसके लिए मैं अपनी चारकोल स्टिक्स का यूज़ करूँगा और एकदम लाइटली प्रेशर देके ये वाला जो एरिया है इतने एरिया को मैं शेड कर दूँगा। और अपने फिंगर की वजह से धीरे से इसको ब्लेंड कर दूंगा, तो यहाँ पे एक टोन मिल जाएगा मुझे जो मुझे चाहिए था यहाँ पे हो। इसको धीरे धीरे रिफाइन करते रहेंगे, मैं डार्क पे जब पार्ट्स को ऐसे ही डार्क करता रहूँगा और लाइट पार्ट को लाइट रहने दूंगा। Thank you.
फाइनली स्केच ऐसी लग रही है, तो ये पूरी रेडी हो चुकी है।